सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल यार यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं नीतीश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यार पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक कमेंट का रिप्लाई करके ही देने वाला हूं। दरअसल ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन रोहन भाई ने मुझसे पूछा कि भाई मेरा जो फ़ोन है वो सैमसंग J7 है, जो कि 2015 मॉडल है। ओके, इस फ़ोन का मतलब कि खराबी ये है कि भाई पहले तो इसमें फास्ट चार्ज होता था, लेकिन अब जो है फ़ोन में फास्ट चार्ज ही नहीं होता है। मतलब कि इनका कहना यही है कि भाई मैं अपने फ़ोन को फास्ट कैसे करूं, इसके लिए क्या टिप्स है आप मुझे वीडियो बना के दो। तो गाइस, सीधा सीधी रिप्लाई है, देखो जब हम सब कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो उस टाइम फ़ोन नया होता है, बिल्कुल ही नया, फ़ोन में नया बैटरी, नया चार्जर, हर एक चीज़ नया होता है। और धीरे धीरे जो है फ़ोन का बैटरी ही ख़राब होने लगता है। मतलब आप अगर 1 से 2 साल यूज़ करोगे तो फ़ोन में हर एक चीज़ सही रहेगा, लेकिन फ़ोन का बैटरी जो है धीरे धीरे ख़राब होता जाता है। और ये जो चार्जिंग का जो टाइम है वो अधिक से अधिक लगते जाता है। मेरे पास पहले पैनासोनी का फ़ोन था, जो कि पहले बहुत फास्ट चार्ज होता था, लेकिन उसके बाद जो है फ़ोन धीरे धीरे स्लो चार्ज होने लगा, बैटरी ख़राब होने लगता है। ओके, हर चीज़ फ़ोन में ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बैटरी ख़राब हो ही जाता है। तो इसका फास्ट करने का सल्यूशन क्या है? देखो, सल्यूशन तो इसका बस एक ही है कि भाई आप फ़ोन का जो बैटरी है वो चेंज कर लो। लेकिन ये जो है दरअसल महंगा होता है, और अगर आप कहीं से बैटरी लगवाते हो तो मतलब कि कौन मतलब अच्छा बैटरी तो नहीं देता, बेकार बैटरी ही देता है। तो इसीलिए फ़ोन का जो बैटरी है चेंज करवाना ये भी मेरे ख्याल से सही नहीं होता। मेरे ख्याल से अब फ़ोन को भी बदलना ये भी सही नहीं होता। तो गाइस, इसके लिए कोई भी अलग से टिप्स नहीं है कि आप जो है फ़ोन को मतलब कि चार्ज मतलब बढ़ा सके। इसके लिए एक टिप्स है, अगर फ़ोन में नया चार्जर दिया जाए, फ़ोन का जो चार्जर का वोल्टेज है वो थोड़ा सा मतलब बढ़ा के दिया जाए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर फ़ोन का जो मान के चलो कि फ़ोन के साथ में अगर 8 वाट का चार्जर दिया गया था, लेकिन इस टाइम में अगर आप उसको 15 तक करोगे तो फ़ोन ख़राब नहीं होगा, फ़ोन चार्ज हो जाएंगे फास्ट। ओके, लेकिन 15 या 18 के बदले आप 1 बार 30 दोगे तो फ़ोन जो है ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी के टाइम में जिस फ़ोन से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो फ़ोन है मेरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A72 है। तो अभी के टाइम में ये बिल्कुल ही सही चल रहा है, बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये भी स्लो हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी तो हर किसी का ख़राब होता ही रहता है धीरे धीरे। फ़ोन चाहे सुरक्षित रहे या ना रहे, लेकिन बैटरी ख़राब तो होता ही रहता है, ठीक ना। तो एक चीज़ और हम समझते हैं, जैसे कि मैं अभी हूँ, ओके, और मेरा जो उम्र है वो 18 से 20 साल है भाई। तो आप मुझे जितना खाना अभी खिलाओगे उतना मैं काम कर लूँगा, लेकिन अगर मेरा उम्र मतलब कि धीरे धीरे बढ़ जाता है, 40-50 तक, उसके बाद आप मुझे सेम खाना दोगे तो भी मैं उतना काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि शरीर में का भी एक लिमिट होता है काम करने का। तो ऐसे ही होता है, अब एक बूढ़ा इंसान काम तो नहीं कर सकता ना, तो बस फ़ोन के साथ भी यही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान बदल गया है, इंसान सही है, लेकिन यही होता है कि भाई इंसान में और मशीनों में बात यही होता है कि धीरे धीरे स्लो हो जाता है, टाइम के साथ स्लो हो जाता है। सो गाइस, कुछ ये है मेरा रिप्लाई इन कमेंटों का। सो गाइस, मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट करें, हो सके तो मैं, अगर अच्छे टॉपिक लगेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, जिस बंदे ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, गुड बाय, वंदे मातरम।